500 और 1000 के नोट के चक्कर में पूरे देश का आदमी परेशान है। बैंकों के बाहर लंबी लंबी के तारे लगी हैं। सरकार द्वारा बैंकों की टाइमिंग बढ़ा दी गई है। पहले जहां सरकारी बैंक सुबह 10 बजे खुलकर शाम 4 बजे तक चलती थी और जिसमें दोपहर में आधे घंटे से लेकर एक घंटे तक का लंच ब्रेक भी होता था, लेकिन आज सब कुछ बदल गया। आज सुबह 8 बजे से लेकर रात्रि 8 बजे तक बैंक खुली रहती है और कोई लंच ब्रेक नहीं। लंच ब्रेक के नाम पर एक दो काउंटर बंद कर दिए जाते हैं जिससे लाइन में लगी पब्लिक को परेशानी ना हो सके। जहां हमें लाइन में लगे कस्टमर से बात की तो उनको यहां की व्यवस्था, बैंकों में कस्टमर को दो दो तीन तीन घंटे लाइन में लगना पड़ता है तब जाकर उनकी बारी आती है। वहीं इस ब्रांच में आधे घंटे लाइन में लगने के बाद बारी आ जाती है। यहां के और भी दूसरे विभागों जैसे लोन डिपार्टमेंट, टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट के स्टाफ को भी पब्लिक डीलिंग के लिए लगाया गया और वो भी 12 घंटे काम करके खुश नजर आ रहे हैं। उनको कैसे फिर मैनेज करते हैं सर? वो तो है, कुछ कस्टमर्स ने मतलब आज हमारा गेट भी तोड़ दिया, तो मैनेज करना है सर, कर रहे हैं जितना हो सकेगा कर रहे हैं और एक्सटेंडेड आवर्स में भी काम कर रहे हैं। वी होप कि पब्लिक इस चीज़ को समझे कि हमारे ऊपर भी बहुत प्रेशर है, हम भी पूरा हम लोग भी स्ट्रेस में है और ये सब देखते हुए वो भी शांति में आए रहे और सबका काम हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है काफ़ी टाइम में। लेकिन जो घंटों लग रहे थे वहाँ यहाँ पर घंटों में काम किया, सारे लोगों का फिर आप सेटिस्फाइड जी? बिल्कुल बिल्कुल। क्या नाम है? दिल्ली सर के सोनी जीवे पंजाब के लिए।